आज हम जानेंगे कि वो पांच मंत्र कौन से हैं जिससे आप बना सकते हैं अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रेसिव। मिशन अंग्रेजी बोल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन दबाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने मोबाइल में सेव सभी कॉन्टेक्ट्स को शेयर करके अपने शुभ चिंतकों को इंग्लिश सीखने के आसान और सही तरीके में मदद करें। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी मदद ले सकते हैं। टॉपिक इज बेस्ड ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यू कैन इंटरेक्ट, आप इंटरेक्ट करिए जितना आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं, जो चीज बोलना चाहते हैं। यू कैन ऑल्सो शेयर योर फोन आइडियाज। नाउ फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या है? What is personality? In the English, any language you can use. You think it is the how you behave with someone and how they react with some problems. Okay. These are things makes a personality. Okay. So how we behave in? How are we behaving? Okay. It's an external attribute. It is your external aptitude. Okay. So it's a outside appearance and it group of some activities. Like there are many things which counts for seeing a personality. Yes. So that is a personality for me. Okay. Anyone from basic features? General and external behavior. Okay. See, it is very simple. What is personality? Personality means whatever we think, जो हम सोचते हैं. Whatever we feel, जो हम महसूस करते हैं, and whatever we behave, all these things are the part of personality. Means whenever it mixes up all these things, then it becomes our personality. Example, when we go to any village, जब हम village अपने जाते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनका जब हम पैर छूते हैं, तो तरीका क्या है पैर छूने का? We should bend, हमें झुकना चाहिए और अपने दोनों हाथों से उनके पैर छूने चाहिए। And then we should touch our head and heart. This is the right way. ये सही तरीका है पैर छूने का। लेकिन आजकल क्या होता है, when you meet any बुबू और any अम्मा, तो आप देखेंगे ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि लोग जो है सिंपल जो है सिर्फ आधा झुकते हैं, यानी कि पूरा पैर नहीं छूते। They touch only knees, सिर्फ नी को टच करते हैं। उनको वो मेहनत नहीं करना चाहते कि कौन अपनी कमर झुकाए और जाके जो है फीट को टच करे, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ नीज को टच करते हैं। और आजकल की जो और ज्यादा यंग जनरेशन है, जो कमिंग जनरेशन है, वो तो और भी आगे है। वो क्या करती है, वो नी भी नहीं छूती है, वो तो सिर्फ दूर से ओ प्रणाम दद्दू प्रणाम अम्मा मीन्स दूर से ही जो है हो जाता है। क्यों? ये सब कहाँ पर है? ये सब इनके माइंड में है। माइंड में क्या है, थिंकिंग में ये है कि जो रिस्पेक्ट है वो तो हमारे हार्ट में है, इसमें दिखाने की क्या जरूरत है। तो उनके माइंडसेट में ये बना हुआ है, तो जो उनके माइंडसेट में है वही चीज उनकी फीलिंग्स में आता है, वही चीज वो महसूस करते हैं और वही चीज उनके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। आप जब कभी किसी अपने फ्रेंड से बात करते होंगे या किसी भी पर्सन से, तो आपने कई बार देखा होगा कि जब आप बातचीत करते हैं तो कई बार आपको एक कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है किसी की वॉइस में, किसी की बात करने में, चलने में, या कोई भी एक्टिविटी करने में। जब कोई एंट्री करता होगा तो कई बार आपको बहुत अच्छा लगता होगा कि वाओ शी हैज कम और ही हैज कम। क्यों? क्योंकि वो उसमें जो थिंकिंग होती है वो बहुत ही पॉजिटिव होती है और वही चीज उनके किसमें रिफ्लेक्ट होती है, बिहेवियर में। कई बार आपने देखा होगा कि कई सारे लोग जब एंट्री करते हैं तो उनका चेहरा उदार, तो ये शो करता है उनके माइंड में रिफ्लेक्शन क्या हो सकता है कि घर में वो अपने हस्बैंड से लड़ी हो, या अपने स्पाउस यानी कि हस्बैंड या वाइफ से, या घर में किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, या हो सकता है कुछ और दूसरी प्रॉब्लम्स होगी। तो वो चीजें आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है, जो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बनती है। तो अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको कहाँ पर फोकस करना होगा? थिंकिंग पे। एंड इट इज वेरी टफ टास्क, क्योंकि आप कपड़े नए तो खरीद के पहन सकते हैं, अच्छे अच्छे परफ्यूम लगा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो आपका बिहेवियर है वो आपके माइंड से ही होगा। कुछ टाइम के लिए तो आप किसी तरीके से दिखावा कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर से जो रिफ्लेक्शन जो बाहर आपके बिहेवियर में आ रहा है वो तो आपकी थिंकिंग से ही आएगा। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? थिंकिंग। कई लोग मेरे पास आते हैं कि सर कुछ ऐसा मैजिक बताइए कि जिससे हम अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेंगे, तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि ऐसा तो कोई मैजिक है ही नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली जब तक आप अपनी थिंकिंग पर चेंज नहीं करेंगे, इस पर वर्क नहीं करेंगे, तब तक आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कभी डेवलप नहीं हो सकती। तो हमारा फोकस एरिया क्या है? थिंकिंग।
क्योंकि आपका आउटर अपीयरेंस तो आप कभी भी मिनटों में चेंज कर सकते हैं, बट आर फोकस इज थिंकिंग, तो हम फोकस करेंगे थिंकिंग पे। तो हमारा जो ओवरऑल आज का जो सेशन होगा वो फोकस होगा थिंकिंग पे, कि कैसे अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करें थिंकिंग को चेंज करने के बाद। तो ये व्हाट इज द वे, मंत्रा क्या है, कैसे हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, निखार सकते हैं, उसका बहुत ही सिंपल और अच्छा और इंटरेस्टिंग मंत्रा है लैम्प्स। व्हाट इज लैम्प्स, एनी गेस? L stands for listening and reading। हमने बचपन में बहुत बार अपने टीचर से सुना होगा कि जो राजा होता है, राजा की जो कद्र होती है, रिस्पेक्ट होती है, वो सिर्फ उसके किंगडम तक ही सीमित होती है, यानी जो उसका राज्य होता है, वो अपने राज्य से बाहर निकलता है तो राजा भी जो है बिल्कुल वैसे ही एक नॉर्मल पर्सन है जैसे बाकी हैं। लेकिन जो एजुकेटेड पर्सन होता है, जो इंटेलिजेंट होता है, जो नॉलेजेबल होता है, जैसे हिंदी में होते हैं जो ज्ञानी होता है, वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जा सकता है, वो जहां पर भी जाएगा उसकी रिस्पेक्ट हर जगह होगी। ये ताकत किसकी होती है, नॉलेज की है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज ज्यादा से ज्यादा होगा सो यू कैन हैव बेटर पर्सनैलिटी, क्योंकि आपका जो माइंड होता है वो ब्रॉड माइंडेड हो जाता है। माइंड को ब्रॉड करने के लिए नॉलेज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने नोटिस किया होगा क्लास में भी कि जब स्टूडेंट स्टेज पर आते हैं, अपना 1 मिनट टॉपिक देते हैं, तो ज्यादातर लोग जो है वो फ्लैट हो जाते हैं, हवा निकल जाती है पूरी। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ग्रामर का नहीं है, ये नहीं कि इंग्लिश ग्रामर वीक है, प्रॉब्लम होता है नॉलेज, नॉलेज ही नहीं होता है बोलने की। तो जब नॉलेज नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपको डिलीवर करने में प्रॉब्लम होगा, आप अपना स्पीच डिलीवर नहीं कर पाएंगे। जितना ज्यादा नॉलेज होगा आपके पास बोलने के लिए उतना ज्यादा मैटर होगा। तो कोशिश करिए अपने बिजी स्केड्यूल में समय निकालिए और कम से कम जो है आपको रीडिंग और रीडिंग करना चाहिए, दैट लिसनिंग एंड रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अगर आप अपनी स्पीकिंग पे फोकस करना चाहते हैं, स्पीकिंग पे करना चाहते हैं, स्पीकिंग पे फोकस, तो हमें किस पर फोकस करना होगा, लिसनिंग पे। ध्यान रखिएगा, अगर आप एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपका फोकस हमेशा किस पर होना चाहिए, लिसनिंग पे। किस में लिसनिंग करनी है, इंग्लिश लैंग्वेज में। क्या आप करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए, करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको रूटीन में बनाइए और करते रहिए। कई लोग मुझे अक्सर एक्सक्यूज देते हैं कि हम लिसनिंग कहाँ से करें, हमारे पास तो टेलीविजन नहीं है, टीवी भी है उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि सबके हाथ में रिमोट होता है, कोई कहता है मैं देखूंगा, कोई कहता है मैं प्रोग्राम देखूंगा, तो हमें कभी मिल नहीं पाता। और अगर इंग्लिश मूवीज या इंग्लिश न्यूज चैनल सुनना शुरू कर दिया तो गाली अलग सुननी पड़ती है, तो इसलिए बेटर यही है कि जो है ना ही सुना जाए। तो बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज करिए। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, आपको मैं एक वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ, उस वेबसाइट पर जाइए और उसको क्लिक करिए, आपके पास स्मार्टफोन होगा और आराम से रेडियो सुनिए विच विल बी इन इंग्लिश, और उस वेबसाइट का नाम है radio.garden। मैं यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिख दे रहा हूँ radio.garden। यहाँ पर जाइए, क्लिक करिए, आपको एक ग्लोब मिलेगा, उस ग्लोब पे आप जहां पर भी क्लिक करेंगे, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो, चाहे वो यूएस हो, आप क्लिक करिए और जिस भी शहर में जाके आप क्लिक करेंगे वहां का रेडियो ऑन हो जाएगा, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो बाहर किसी भी कंट्री का हो, किसी भी रीजनल लैंग्वेज का हो, इंग्लिश का हो। आपको अगर सुनना है कि भाई इंग्लैंड में जो है मुझे रेडियो सुनना है, यूनाइटेड किंगडम में आपको सुनना है, तो वहां पे जाइए, क्लिक करिए, इमीडिएटली रेडियो विल बी एक्टिव। जो भी आपको न्यूज सुनना है आप आराम से सुन सकते हैं, चाहे आप ड्राइव कर रहे हो, राइड कर रहे हो, बाहर घूम रहे हो, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, यू कैन यूज दैट ईयरफोन एंड अगेन यू कैन लिसन। ऐसा नहीं कि आपके पास टाइम नहीं है, आपको कभी भी 24 के अलावा अदर आवर्स नहीं मिलेंगे, आपको उसी 24 घंटे में ही अपने टाइम को मैनेज करना है। जो चीज आप कर रहे हैं ऑलरेडी, आप खाना बना रहे हैं, नो प्रॉब्लम, व्हाट्सएप की जगह जो है आप सीधा कान में ये अपना ईयरफोन यूज करिए और फटाफट जो है सुनना शुरू करिए, इट विल हेल्प यू। और कम से कम जो आपको आधा घंटा लिसनिंग जरूर करनी चाहिए, एंड रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितना ज्यादा आप रीड करेंगे इट विल हेल्प यू। मैं भी डेली बेसिस पे कम से कम 5 न्यूज़पेपर्स रीड करता हूँ, 2 हिंदी के जिसमें की लोकल न्यूज होती है और 3 इंग्लिश न्यूज़पेपर जो मैं डेली बेसिस पे रीड करता हूँ। यू शुड ऑल्सो रीड अ लॉट। मुझे पता रीड करते कितने साल हो गए, हाउ मेनी इयर्स, 20 इयर्स, 20 साल। आप आज भी शुरू करेंगे तो आने वाले 20 साल ले लीजिए, तब तक मुझे हो जाएगा 40 साल पढ़ते पढ़ते। कीप रीडिंग, वो चीज रीड करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। आपसे मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है सिर्फ पॉलिटिक्स पढ़िए या हेल्थ पढ़िए, जिसमें इंटरेस्ट है।
डू यू हैव इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स पढ़िए. आपको इंटरेस्ट एंटरटेनमेंट में है तो उससे रिलेटेड चीजें पढ़िए. जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है आपको वही चीज रीड करना चाहिए. सो कीप लिसनिंग एंड कीप रीडिंग मोर एंड मोर डेली बेसिस पे. कितना 2 hours, ये 2 घंटे आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे. आपको एग्जिस्टिंग में टाइम निकालना है कि कहाँ से आप टाइम को निकले. और ये जरूरी नहीं कि आप 2 घंटे एक साथ पढ़ रहे हैं. 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes करते करते अपने आप ही 2 घंटा हो जाएगा. इस हैबिट को हमेशा बरकरार रखिए और करने की कोशिश करिए. सो ट्राई टू डू लॉट ऑफ लिसनिंग एंड रीडिंग. नेक्स्ट ए, एनी गेस? Avoid negative people and talk. जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ग्रेजुएशन कर रहा था बीकॉम, तो मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी. तो हमारे गैंग हुआ करता था और मेरे गैंग में सिर्फ बॉयज ही अलाउड थे, गर्ल्स का कोई स्कोप नहीं था. तो हमारा जो गैंग हुआ करता था 5-6 स्टूडेंट्स का गैंग था जो धीरे धीरे करके बढ़ते ही जा रहा था. तो जब फर्स्ट ईयर में मैंने कोचिंग ज्वाइन किया तो हमें जितने भी फ्रेंड्स थे 5-6 लोग, हमेशा हम जो है कहाँ पे बैठते थे? लास्ट में. लास्ट में क्यों बैठते थे? क्योंकि हमारा नारा था कि ना हम पढ़ेंगे और ना किसी को पढ़ने देंगे. ना कोई आगे बढ़ेगा और ना जो हम खुद आगे बढ़ेंगे. तो जो पीछे हम बैठते थे तो ऐसा नहीं कि सारे नॉटी थे. हमारे ग्रुप में एक ही स्टूडेंट था जो सबसे ज्यादा नॉटी था, एक ही पर्सन था. वो क्या करता था कि जो भी पढ़ रहा होगा उसको बार बार जो है प्रमोट करें कि वो ना पढ़े, और हमको भी इंसिस्ट करता था कि हम भी वही काम करें. तो अल्टीमेटली जब उस ग्रुप में तो हम भी उसी में ही आ गए. हमारे भी काम आएगा कि दूसरे को परेशान करते नहीं थे, करता वही था, लेकिन ग्रुप में ना था कि देखो उस वो ग्रुप ऐसा करता है, और पीछे बैठते थे हमेशा ताकि लोगों को परेशान करेंगे. तो मेरी आदत जननी क्या थी कि मैं चैलेंजेस को बड़ा इजीली और अच्छे तरीके से, मुझे कोई चैलेंज करता है जंप कर सकते हो क्या? सो आई सेड यस, व्हाई नॉट, आई कैन आल्सो जंप, मैं भी जंप कर सकता हूं. मुझे कोई अगर बोले कि कैन यू जंप फ्रॉम हियर, कैन यू डू दिस, आई जस्ट एक्सेप्ट. मैं बस ये देखता हूं कि मुझे कहीं प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, प्रॉब्लम इन द सेंस कि मेरे को हर्ट ना करे. अदरवाइज आई डोंट हेसिटेट इन एक्सेप्टिंग चैलेंज. मैं एक चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता हूं, हो ना हो देखा जाएगा, लेकिन पहले एक्सेप्ट करो. दैट इज माय हैबिट एंड इट इज वेरी गुड हैबिट टू सम एक्सटेंट. So same thing happened to class में भी. हमारे सर कहते कि ये problem कौन solve करेगा, तो मैं अपना hand raise करता था कि I will do it. तो फिर हुआ क्या कि मैं जब भी accept करता था मुझे ऊपर बुलाते कि okay come and solve here. तो जब वो मुझे स्टेज पे बुलाते थे और जब मैं यहाँ पे सॉल्व करता था तो सर हमारे बीच में बाहर चले जाते थे. तो जब वो बाहर चले जाते थे तो आपको पता है जैसे ही बाहर गए सो पीपल बिकम आउट ऑफ कंट्रोल. तो पीछे से जो हमारा गैंग होता था हमें डिस्टर्ब करता, सारे लोग ऐसे करते थे ऐसे करके. तो अब जो हम फोकस कर रहे हैं अपने काम पे, यानी जो सम सॉल्व कर रहे हैं वो हमें करने ही नहीं देते थे. फिर प्रॉब्लम क्या होता था कि देन यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म. ऐसे करते करते हंसी मजाक करते हमें 9 महीने 10 महीने निकल गए. अब एग्जाम का टाइम आ गया. अब एक अच्छी बात क्या हुई कि जब एग्जाम टाइम आने वाला था उससे 1-2 महीने पहले ही जो है जो हमारे में सबसे नॉटीएस्ट पर्सन था पूरे ग्रुप में उसके घर में एक शादी हुई. तो वो गांव चला गया 10 दिन की छुट्टी पर. जब वो 10 दिन के लिए छुट्टी पे गया तो हमें ऐसे लगा कि हम किसी जेल से बाहर आ गए हैं. अब हम वो सारी चीजें कर सकते हैं जो हम अपने दिल से करना चाहते हैं. वो कुछ दिन में ऐसा पता लगा हमें, खासकर मुझे ये पता लगा कि ये जो मेरा फ्रेंड है इसने पूरी की पूरी मेरी जो एनर्जी को है वो सक कर लिया था. यानी जो मैं करना चाहता था मैं कर ही नहीं पा रहा था. मुझे बार बार प्रॉब्लम हो रही थी, मैं जो करना चाहता हूँ कर ही पा रहा हूँ. मेरा माइंड भी बिल्कुल उसी की तरह काम करता था कि नहीं दूसरे को परेशान करो, कोई काम नहीं करो, बस लाइफ जो है घूमने फिरने मस्ती करने के लिए है. तो मेरे माइंड में बार बार वही चीज़ था फोकस, मैं कभी स्टडीज पे कर नहीं पाता था. तो जब वहां से मैं बाहर हुआ देन आई रियलाइज, तब मुझे पता लगा. फिर मैंने क्या किया, एक गेम खेला. जब हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद जब नेक्स्ट ईयर में हम गए तो मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि तुम जाके कोई दूसरी कोचिंग ज्वाइन कर लो और मैं जो है कोई दूसरी मैं अभी ज्वाइन करता हूँ, पहले आप ज्वाइन करो. तो उसको ज्वाइन करा दिया और कुछ टाइम के बाद मैंने कोई दूसरी कोचिंग ज्वाइन करी, उसको बताया नहीं 1-2 महीने तक. तो जब 1-2 महीने तक बताया नहीं तो उसके बाद क्या मैंने कहा मैं क्योंकि वो कोचिंग पास पड़ रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं वहां कर लेता हूँ. तो उसने कहा वो बुरा ज्यादा मानता भी नहीं था क्योंकि उसको कोई टेंशन नहीं था क्योंकि बुरा मेरी बात मानता है नहीं मानता है, तो उसको बुरा नहीं लगा. तो मैंने कंटिन्यू किया उसी कोचिंग में. फिर मैंने अपने नए फ्रेंड्स बनाए और कई सारे मेरे सर्किल में अच्छे स्टूडेंट्स हुए, अच्छे फ्रेंड्स हुए जो कि टॉपर्स थे. तो मेरी धीमे धीमे सर्किल वहां से हटने लगी. लेकिन आज भी मेरा वो बहुत अच्छा फ्रेंड है. मैंने अभी पिछले लास्ट ईयर ही इलाहाबाद गया था 5-6 दिन की छुट्टी लेके. मैं अपने सारे जो है लंगोटिया फ्रेंड जिसे हम कहते हैं हिंदी में सबसे मिला, एंजॉयड एंड आई हैड फन, खूब मैंने मस्ती करी वहां पे जाके.
वो मेरा आज भी बहुत अच्छा फ्रेंड है, लेकिन उसको आज तक ये नहीं पता कि मैंने उसे कंधी काटी, क्योंकि मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, तो उसे कभी उसको नहीं पता। उसको मैंने धीमे 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 क्या किया, अपनी लाइफ से जो है कंधी काटना शुरू कर दिया, अवॉइड करना शुरू कर दिया। हुआ क्या, देयर वाज अ ग्रेट चेंज इन माय पर्सनालिटी, मेरा जो फोकस था वो धीमे धीमे अपने गोल पर आना स्टार्ट हो गया, मैंने काम करना शुरू किया, एंड देन आई वेंट आउट ऑफ इलाहाबाद, मैंने इलाहाबाद छोड़ दिया, देन आई वेंट टू दिल्ली, फिर बहुत सारी चीजों पर मैंने काम किया, बहुत सारे असाइनमेंट किया। व्हाई, ओनली बिकॉज ऑफ लीविंग द नेगेटिव पीपल। आपकी लाइफ में अगर कोई भी नेगेटिव पर्सन है, आपको लगता है कि ये आपसे हमेशा नेगेटिव बात करता है, या आपकी बार बार टांग खींचता है, आपके लिए बार बार जो है रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि तुम ये नहीं कर सके, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारे बस का नहीं, अब तो उम्र नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वो आपको बार बार अगर बहाने बनाता है, ऐसे लोगों को बिल्कुल छोड़ दीजिए, इनकी कोई जरूरत नहीं है। आप खुद सोच के बताइए, मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, अगर मैं कुछ भी करता हूं या कोई भी लाइफ में कोई भी नया असाइनमेंट लेता हूं या करता हूं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, उसमें जो भी मैं कर रहा हूं उसका क्रेडिट किसे जाएगा, मुझे जाएगा, मेरे फ्रेंड को जाएगा, अल्टीमेटली इट विल गो टू मी। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा नॉलेज है, मेरा फ्रेंड मेरे काम नहीं आ रहा है। आपके फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे लाइफ में, आपका फ्रेंड आपके साथ नहीं होगा, आपके साथ खुद आप खड़े होंगे, और अगर आप में वो एक्सपीरियंस होगा, वो नॉलेज होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, तो इमीडिएटली देन यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म, आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो आप हमेशा अपने ही काम आएंगे। तो पूरी कोशिश करिए कि ऐसे नेगेटिव लोग जो आपकी बार बार जो है टांग खींचते हैं, या जो आपकी बुराई करते हैं, या आपको लगता है कि वो आपका भला नहीं चाहते, ऐसे लोग को हमेशा कट करने की कोशिश करिए। वो भले ही बुरा मान जाए, लेकिन उसके मुंह पे मत बोले कि आई डोंट लाइक यू, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज करिए कि आप धीमे धीमे करके उस टाइम को वहां से हटा दें, यानी कि उनके साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर दें या कम कर दें। टॉक, कोई भी नेगेटिव बात करता है ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी फ्रेंडशिप मत करिए। फ्रेंड्स तो बहुत बनाएंगे, बहुत है दुनिया में, बहुत सारे लोग हैं, अरबों लोग हैं, मेक गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से दोस्त आपको मिल जाएंगे, अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको खोजना है, और आप खोजेंगे उसी को जिसको आप चाहते हैं। कोशिश करिए कि पॉजिटिव लोगों को सर्च करिए, नेगेटिव लोगों के साथ बिल्कुल नहीं, नेगेटिव में जाएंगे तो आपको हर जगह नेगेटिव लोग ही नजर आएंगे और आपके साथ उनका जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो कोशिश करिए, ट्राई टू हैव द पॉजिटिव पीपल इन लाइफ, और नेगेटिव लोगों को और टॉक को हमेशा अवॉइड करिए। एम, एम स्टैंड्स फॉर मेंटोर। मेंटोर को हिंदी में हम कहते हैं गुरु। Is that person important? क्या person important है? Very important. आपकी नई life तब शुरू होती है जिस दिन आपको एक सही mentor मिल जाता है। जिस दिन आपका mentor आपको नहीं मिला, समझ लीजिए कि तब तक आपकी नई life शुरू नहीं हुई है। Life तभी start होती है जब आपको mentor मिलता है। We can take the example of history. History से हम example उठा सकते हैं। Take the example of महाभारत। महाभारत में पांडवों ने war जीता, किसकी वजह से? अगर श्री कृष्णा कोच नहीं होते तो क्या पांडव कभी भी जीत पाते? नॉट पॉसिबल। और प्रेजेंट की तरफ आइए, चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो सम्राट बने किसकी वजह से बने? अगेन चाणक्य। अगर चाणक्य नहीं होते कोच उनके, तो कभी भी नहीं बन पाते सम्राट। हम अशोका की बात करें, अशोका सम्राट क्यों बने एम्परर? ओनली बिकॉज ऑफ चाणक्य। अगर चाणक्य नहीं होते तो नहीं बन पाते। टेक द एग्जाम्पल ऑफ सचिन तेंदुलकर, उनको इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। ही इज आल्सो कॉल्ड द गॉड ऑफ क्रिकेट। व्हाई? बिकॉज ऑफ हिज कोच। क्या है उनके कोच का नाम, मेंटोर का? मिस्टर आचरेकर। उन्होंने खुद ही उनको ट्रिब्यूट दिया कि बिकॉज ऑफ माई कोच मिस्टर आचरेकर, वट एवर आई एम टूडे बिकॉज ऑफ हिम ओनली। पूरा क्रेडिट उन्होंने उनको दिया है, क्योंकि आचरेकर उनके लाइफ में नहीं होते तो आज सचिन सचिन नहीं होते, जो उनको गॉड माना जाता है। टेक द लेटेस्ट एग्जाम्पल, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने अभी रियो ओलंपिक्स में जो है मेडल जीता। Why? Because of गोपी चंद जो उनके कोच हैं, और उन्हें पूरा क्रेडिट अपने कोच को ही दिया। तो अगर वो मेंटोर उनके नहीं होते तो कभी भी जो है मेडल नहीं जीत पाती। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द कोच। आई हैव बीन वेरी लकी, मैं बहुत लकी रहा हूँ लाइफ में कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे कोच मिले, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, I've learnt a lot. तो कोशिश करिए कि आपकी लाइफ में भी एक अच्छा कोच हो जो आपको गाइड करे कि आपको कैसे आगे जाना है, रास्ता क्या होगा, कैसे चलना है, क्या, क्योंकि कोच आपके साथ चलेगा नहीं, वो आपको हेल्प करता है, बताता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, एंड बी अलर्ट क्या चीज आप कर सकते हो, क्योंकि आपको तो लगता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कोच आपको डिजाइन करके देता है कि कहाँ पे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जो आपको वहां गोल तक पहुंचने में हमेशा हेल्प करता है। सो प्लीज ट्राई टू गेट अ गुड मेंटोर। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप मेंटोर को सेलेक्ट करें, उससे भी इंपॉर्टेंट है कि मेंटोर आपको सेलेक्ट करे, और मेंटोर भी आपको तभी सेलेक्ट करेगा जब आप में फायर होगा। आप में खुद ही फायर नहीं है, आप खुद ही बुझे हुए हैं,
तो आपको पता है मुझे में तो फिर कोई कुछ करता नहीं है, तो जब आप लगेगा कि आप तेल गर्म है तभी तो जो है आगे का काम शुरू होगा, तभी खाना बनेगा, तेल ही गर्म नहीं वही ठंडा है तो फिर हो गया, तो आपको भूखे पे ही रहना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि कोच आपको सेलेक्ट करे तो वो फायर आप में दिखना चाहिए, वो आपकी आंखों में होना चाहिए, आपके फेस में होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज में होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ होना चाहिए। वो हंग्रीनेस जब तक नहीं होगा तब तक मेंटोर आपको बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करेगा, और मेंटोर एक बार आपको सिलेक्ट कर लेगा तो मेंटोर का इवैल्यूएशन किससे होता है, डिसाइपल से, यानी कि स्टूडेंट से, जो उसका स्टूडेंट होता है। जब स्टूडेंट परफॉर्म करता है तो अपने आप ही जो मेंटोर होता है वो उस पर अचीवमेंट अपने आप आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये मेंटोर की भी मजबूरी होती है, ये मेंटोर का रिजल्ट होता है जो वो किससे निकालता है, अपने स्टूडेंट से। तो प्लीज ट्राई टू सर्च अ गुड मेंटोर, और से इंपॉर्टेंट क्या है कि मेंटोर आपको सेलेक्ट करे। नेक्स्ट पी, पी स्टैंड्स फॉर पोलाइटनेस एंड रिस्पेक्ट अदर्स। पोलाइटनेस को हिंदी में बोलते हैं विनम्रता। आपकी लाइफ में आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर आप अपनी लाइफ में पोलाइट हैं, कूल हैं, काम हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप पे कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने घर में हस्बैंड वाइफ का ड्रामा नहीं देखा, लड़ाई वाला नहीं देखा। देखिए आपने कॉन्फिडेंस के साथ हाथ नहीं उठाया, आपका हाथ यहीं तक है, उठाओ कि नहीं उठाओ, ओके आप नहीं देखा, आप बड़े अनलकी हैं। ये तो बहुत मजेदार होता है। ओके वन ने हाथ उठाया कि उन्होंने नहीं देखा। हस्बैंड वाइफ में क्या होता है, जब कभी भी झगड़ा स्टार्ट होता है तो होगा क्या, हस्बैंड वाइफ आपस में झगड़ रहे हैं, पता लगा वाइफ का पारा चढ़ गया, हस्बैंड गुस्सा हो गया, हस्बैंड ने कहा कि अरे कलीर जो था भी लड़ाई झगड़ा हुई थी दोबारा फिर से शुरू हो गई, तो पता लगा हस्बैंड जो है और उसका भी पारा चढ़ गया, वाइफ और गुस्से में, वाइफ बोले कि कलीर तो मैंने उसको पटका था और दोबारा फिर से जो है शुरू हो गया, तो पता लगा वाइफ का पारा और चढ़ गया, और हस्बैंड क्या, हस्बैंड ने कहा अरे अभी तो कलीर तो मारा था दोबारा फिर से मारने को तैयार है, पता लगा और पारा चढ़ गया। और होगा क्या, आप देखेंगे आपके घर के आसपास पूरा रश, लोग जो है अपना मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक पे निकल चुके होंगे, और पूरे की पूरी भीड़ लग जाएगी, दे विल एंजॉय, आपसे पूछेंगे कुछ नहीं बट दे विल एंजॉय दैट होल सीन एंड इट इज वेरी एंजॉयबल। कब, जब ये दूसरे के घर में होता है तब वो ज्यादा एंजॉयबल हो जाता है। सो अब आप दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, दूसरी कंडीशन में क्या है, हस्बैंड वाइफ है, वाइफ का पारा चढ़ गया लेकिन हस्बैंड जो है वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, उसको बिल्कुल कूल एंड काम है, वो अपने काम में लगा हुआ है। वाइफ को गुस्सा, वाइफ कहा कि मैं इतनी देर से चला रही हूँ और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई जूनी रेंग रही है, पता लगा वाइफ का पारा और चढ़ गया, लेकिन हस्बैंड इसके बाद भी तपस्या में ही है, अपने काम में लगा हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पूरे चांसेस है कि वाइफ का जो पारा है वो अपने आप ही डाउन हो जाएगा एंड प्रॉब्लम इज रिजॉल्व। मैं ये नहीं कह रहा कि पोलाइटनेस से 100% प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बट यस मैक्सिमम प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व, ज्यादातर प्रॉब्लम्स आपकी वैसी रिजॉल्व हो जाएंगी अगर हम सिर्फ पोलाइट हैं। और सबसे बड़ा आती है यहाँ पे दिक्कत रिस्पेक्ट। कई लोग क्या करते हैं कि लोग दूसरे के एटीट्यूड को छेड़ने की कोशिश करते हैं। एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड का मतलब होता है हमारा जो वे ऑफ थिंकिंग है। जाहिर सी बात है हम क्लास में इतने सारे लोग हैं तो सबका एटीट्यूड अलग अलग होगा, हमारा सोचने का तरीका अलग होगा। आपको कोई चीज़ पसंद आएगी दूसरे को हो सकता है वो ना पसंद आए, किसी को कोई चीज़ पसंद आए किसी को चीज़ नहीं आती, तो ऑब्वियसली हमारा वे ऑफ थिंकिंग डेफिनेटली अलग हो गई। घर में भी होगा, सबकी अपनी अलग अलग थिंकिंग्स होंगी। हमारा इंपॉर्टेंट क्या है कि हम किसी चीज़ में डिस्प्यूट क्रिएट ना करें जब तक कि वो हमें हर्ट नहीं करता, जब तक कि हमें डैमेज नहीं करता, तब तक कोशिश करनी है कि हमें हमेशा दूसरों के एटीट्यूड की यानी थिंकिंग की रिस्पेक्ट करनी है। आपने देखा होगा छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं 1.5 साल के 2 साल के इवन 1 साल के भी, आप उनको थोड़ा सा डांट दो बोला अरे इसको छुओ तो बच्चे तुम गुस्सा हो जाते बेटा काम कर। आप इमेजिन करिए छोटा बच्चा जो 1.5-2 साल का है उसमें कितना एटीट्यूड भर गया कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे डांट दिया, उसमें इतना एटीट्यूड है, जो थोड़ा सा दिमाग आया सो इमीडिएटली दैट पर्सन इज हैविंग दैट एटीट्यूड। तो सोचिए हम सब में कितना एटीट्यूड कूट कूट के भरा होगा, तो फिर हम दूसरे के एटीट्यूड को क्यों छेड़ें। आप ना छेड़ो, कोशिश करो कि उनको रिस्पेक्ट दो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सॉरी जो मैजिकल वर्ड्स हैं, सॉरी है, एक्सक्यूज मी है, थैंक यू, इसको यूज करिए ताकि गलती से भी किसी का एटीट्यूड कर ले कि कोई आपको अगर डैमेज कर रहा है तब तो आपको उसको रोकना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई डैमेज नहीं कर रहा है तो कोशिश करिए कि आप उस चीज को छेड़िए नहीं, अवॉइड करने की कोशिश करिए। तो पूरी ट्राई करिए अपनी लाइफ में कि
कि हमेशा चाहे वो आपसे कोई बड़ा हो चाहे वो आपसे कोई छोटा हो, हमेशा आपको क्या करना है, लोगों को रिस्पेक्ट देनी है. एंड प्लीज बी कूल एंड काम, हमेशा कूल एंड काम रहिए और हमेशा पोलाइट तरीके से बातचीत करिए. नेक्स्ट एस एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एनी गेस? हम पानी के एग्जाम्पल ले लेते हैं. जब पानी बहता है, यानी आपने रिवर का पानी देखा होगा, ज्यादातर रिवर के पानी में आप देखेंगे कि वो बिल्कुल फ्रेश होता है, आप उसे कभी भी ड्रिंकेबल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, आप उसे पी सकते हैं, उसको यूज किया जा सकता है. लेकिन वही पानी जो रनिंग वाटर है, एक जगह आके अगर रुक जाए तालाब में, पॉन्ड में, तो रुकने के बाद क्या होता है, उसमें धीरे करके बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं और वो पानी फिर जो है यूजेबल नहीं होता, उसे आप यूज नहीं कर सकते, और यूज करेंगे इमीडिएटली यू विल फॉल सिक, आप तुरंत बीमार पड़ जाएंगे. तो आपको कोशिश करनी है, हमारा माइंड जो है वो भी कुछ ऐसे ही होता है, वो भी क्या है, वो भी पानी की तरह है. जब तक माइंड चलता रहता है तब तक जो है आप खुशबू जो है आप में आती रहती है, यानी लोग पॉजिटिव चीजें फील करते हैं आपकी कंपनी में रहकर, आपकी बातों में. लेकिन जिसके पास जो है गोल नहीं होता, तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि उसका जो माइंड है वो काम करना बंद कर देता है, वो बिल्कुल पॉन्ड की तरह हो जाता है, रुका हुआ पानी, रुके हुए पानी जैसे बदबू. आप किसी में देखें जिनके पास गोल नहीं होगा, वो बहुत ही बहकी बहकी बातें कर करने के, नहीं यार मैं नहीं कर सकती, नहीं हो सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, फिर ऐसा वैसा, उनकी एक्सक्यूजेस की पूरी लिस्ट लगी होती. क्यों? क्योंकि उनके पास गोल नहीं होता. जिसके पास गोल होता है तो उसका माइंड हमेशा क्या करता रहता है, काम करता रहता है. एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए शीतल को इनकी मम्मा ने कहा कि बेटा जाओ और मार्केट से जो है बनाना लेके आना, पता लगा ये भागे बनाना लेने के लिए, पहुंच गए ठेले से बनाना उठाया खरीद के लिए आए. फिर इनकी मम्मा ने इनसे पूछा, शीतल आप बताइए बच्चा बनाना तो आप ले आए, टमाटर ले आए, टमाटर दिखा था वहाँ पे, फिर आपने टमाटर तो बोला नहीं था, आपने तो मुझे कहा था कि बनाना लेके आओ. तो अब क्यों? क्योंकि उस टाइम पर इनके माइंड में गोल क्या था, बनाना था. लेकिन जब ये दूसरी बार जा रहे हैं, उनके पास दूसरा गोल क्या आ गया, टमाटर आ गया. तो जिस टाइम पर हमारे माइंड में गोल होता है, हमारा माइंड उसकी तरफ अपने आप ही फोकस होना स्टार्ट हो जाता है. अगर माइंड में गोल होगा तो माइंड की जितनी भी ताकत है, पावर है, वो सब एक जगह फोकस हो जाएगी. कितना सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दिया, बिल्कुल वैसे ही हमारा माइंड काम करता है. आप माइंड को गोल दीजिए और क्लियर गोल दीजिए, और गोल वो होना चाहिए जिसे आप अचीव कर सकते हैं. आपने गोल कुछ ऐसा बनाया जिसे आप अचीव नहीं कर सकते हैं, वो गोल काम का नहीं है, वो तो आपको फ्रस्ट्रेशन में डाल देगा. गोल भी ऐसा होना चाहिए जिसको आप अचीव कर सके. हम गोल पे फिर कभी डिस्कस करेंगे. तो कोशिश करिए अपने माइंड को हमेशा गोल दिए, जिससे कि आपका माइंड क्या करे, काम करता. माइंड काम करता रहेगा तो आप हमेशा अच्छा फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, और ऑटोमेटिक वो आपके बॉडी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, आपकी स्माइल में, आपके फेस में, आपके पूरे ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज में. सो प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन योर गोल. और ये एक्चुअली ऊपर से नीचे नहीं है, ये स्टार्ट होता है यहाँ से है. आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, अपने गोल से. गोल फिक्स करिए एंड देन गो अप, तभी तो आप सब पे काम करेंगे जब आपके पास गोल होगा. तो गोल पे काम करना स्टार्ट करिए एंड स्टार्ट वर्किंग एंड ऑल दीज थिंग्स. ये कोई लेक्चर नहीं था, ये सिर्फ हमने डिस्कस किया कि स्टेप्स क्या है, तरीके क्या है, कि किस तरीके से हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं. क्वेरीज? दोस्तों अब समय सिर्फ वीडियो देखने का नहीं बल्कि एक्शन मोड में आने का है. इसी वक्त से ही इन 5 मंत्रों पे काम करना शुरू कर दीजिए और फर्क देखिए. मिशन अंग्रेजी बोल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन दबाएं. इस वीडियो को लाइक और अपने मोबाइल में सेव सभी कॉन्टेक्ट्स को शेयर करके अपने शुभ चिंतकों को इंग्लिश सीखने के आसान और सही तरीके में मदद करें. आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी मदद ले सकते हैं.